हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनिडो। तो फाइनली यहाँ पर रियल मी जीटी मास्टर एडिशन के लिए 2 महीने के बाद जो नया अपडेट था C.08 वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और इस अपडेट को मैं जो है लगभग यूज़ कर रहा हूँ 2 दिनों से। और आज वीडियो में जो मैं इसका फुल रिव्यू करने वाला हूँ इस अपडेट का। और आज वीडियो में आपको जानने मिला कि आपको ये अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर क्या क्या चेंजेस और क्या बग्स देखने को मिलते हैं, सबके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, वीडियो को जो हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं जो आपको अपडेट की डिटेल्स बता दूं, तो यहाँ पर आप वर्जन चेक आउट करते देखेंगे C.08। और अगर मैं साइज़ की बात करूं तो यहाँ पर देखेंगे 227 MB का जो हमको साइज़ है वो देखने को मिल जाएगा अपडेट का। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर अपडेट लॉक की। तो यहाँ पर अपडेट लॉक के अंदर हम देखेंगे सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी पैच जो कि है मई और जून का इंटीग्रेटेड। और यहाँ पर सेकेंड चीज़ में वही हर बार की तरह सिस्टम ऑप्टिमाइज एंड इम्प्रूव स्टेबिलिटी, तो ये तो हर बार ही रहता है। तो अब चलिए फटाफट से करते हैं हम रिव्यू को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा इस अपडेट को करने के बाद में आपके डिवाइस के अंदर। तो सबसे बड़ा अगर आप चेंज देखो तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा फाइनली यहाँ पर जो वेदर का बग था वो फिक्स हो चुका है। और यहाँ पर जो है आपके विजेट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा आपका यहाँ का टेम्परेचर, और वो भी वेरी एक्यूरेटली। तो यहाँ पर जो है C.06 के अंदर ये बग आया था और फाइनली C.08 के अंदर जो बग है वो फिक्स कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा चेंज आपको यही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चेंज हमको देखने को मिलेगा ऐप ड्रॉअर के अंदर। तो यहाँ पर देखेंगे हम जैसे ही इसको अप करेंगे ऊपर जो है आपको कुछ शॉर्टकट्स देखने को मिल जाएगा, और इसको आप जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। फिलहाल मेरे को जो है फ्लिपकार्ट और व्हाट्सएप का कैमरा जो है शो कर रहा है, तो हाँ कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चेंज की अगर हम बात करें तो वो हमको देखने को मिलेगा गैलरी के अंदर। और यहाँ पर फाइनली जो Realme 3 के अंदर मिसिंग था वो फीचर हमको देखने को मिल गया है जो कि है फोटो रीनेम्स का। तो यहाँ पर देखेंगे आप जो आपकी फोटो है उसको जो है आप रीनेम कर सकते हो, जबकि हमको Realme 2 के अंदर मिलता था, बट Realme 3 के अंदर ये जो चीज़ थी हमारी मिसिंग थी, बट यहाँ पर जो है इस अपडेट के अंदर इसको ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर चेंज की हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा विजेट सेक्शंस के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आप पिंच करोगे तो पहले जो है आपको Realme 3 के अंदर ऊपर जो है प्लस का आइकन देखने को मिलता था, उसको हटा के इन्होंने जो है वापस हमारा Realme 2 के जैसे प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे नीचे जो है आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा विजेट्स का, और यहाँ पर जो है हमको कुछ इस तरीके के विजेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो हाँ, यहाँ पर जो है Realme 3 के अंदर प्लस का ऑप्शन आया था उसको हटा के इन्होंने पहले ही तरह Realme 2 की तरह कर दिया है। नेक्स्ट चेंज हमको देखने को मिलेगा गेम स्पेस के अंदर। तो फाइनली यहाँ पर जो एक बग था वो फिक्स कर दिया गया है। जब भी हम गेम खोलते तो यहाँ पर जो CPU नेटवर्क वाला प्रॉब्लम था देखेंगे एक बार तो आके चले जाता है। तो अब देखेंगे अब यहाँ पर बिल्कुल भी वो बग जो है फिक्स हो चुका है, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इशू नहीं है गेम स्पेस के द्वारा इस अपडेट के अंदर। तो अब हम रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा फिंगरप्रिंट अनलॉक स्पीड की। तो यहाँ पर देखेंगे एकदम एक्यूरेटली अनलॉक होता है, और यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी स्पीड हमको देखने को मिल जाती है। जहाँ तक बात रही फेस अनलॉक की, तो यहाँ पर देखेंगे टैप किया ओपन हो गया देखेंगे, तो एकदम हल्की से आपको जो है लॉक मैगजीन देखने को मिलेगी, बहुत ही कम देखने को मिलती है, कुछ ही सेकंड तक, मतलब 0.1 सेकंड तक, और बस अनलॉक जो हमारा फोन हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ हम बात करने वाले हैं UI परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर जो UI है तो बहुत ही स्मूथ आपको देखने को मिलेगा इस अपडेट के अंदर, आपको कोई भी इशू नहीं है UI रिलेटेड। हालांकि जो ऐप ड्रॉअर उसके रिलेटेड एक बग है जो कि मैं आपको बग्स वाले सेक्शन के अंदर बताऊंगा, बट यहाँ पर जो UI की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी इस अपडेट के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रैम मैनेजमेंट की। तो यहाँ पर देखेंगे मेरा जो 6 GB रैम वेरियंट है, और यहाँ पर जो मेरे को टोटल देखने को मिलता है भाई वो 2 GB के आसपास फ्री देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा पिछले अपडेट से। एज यूजल हर बार की तरह रियल मी ने यहाँ पर रैम मैनेजमेंट को तो इंप्रूवमेंट नहीं करा है, ना ही डिक्रीज करा है, सेम पिछले अपडेट की जैसी है। अगर आप बात कर जाए कैमरे की, तो यहाँ पर जो UI है उसके अंदर आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा एज सच, पहले वाली जो हमारी UI थी वही देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर जो है मैं आपको पहले कुछ फोटोज़ के सैंपल्स बता लेता हूँ, वो जो है आप देख लीजिए, आपको जो है थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा क्वालिटी का। तो गाइस अभी आप देख सकते हो बैक की वीडियो क्वालिटी, और देखो भाई कुछ इस तरीके की वीडियो क्वालिटी है। और आप ये देखिए डायनेमिक रेंज भाई बहुत ही बढ़िया है, और जो क्लाउड्स है वो भी एकदम बहुत ही क्लिस्टर क्लियर दिख रहे हैं, और हाँ डायनेमिक रेंज भी बहुत बढ़िया है, तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो जैसे कि आपने देखा फोटो और वीडियो का सैंपल, तो यहाँ पर जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी क्वालिटी के अंदर, यहाँ पर कोई भी डिग्रेडेशन या फिर इंक्रीजमेंट देखने को नहीं मिलती एज सच पिछले अपडेट के जैसी है यहाँ पर भी हमारी वीडियो क्वालिटी और फोटो क्वालिटी। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ बैटरी ड्रेन के बारे में। तो यहाँ पर जो बैटरी ड्रेन इस अपडेट के अंदर जो है मेरे को ज़्यादा देखने को मिल रहा है नॉर्मल यूजेज में भी, और गेमिंग के टाइम पर तो भाई पूछो मत, हमको यहाँ पर जो है गेमिंग के टाइम पर ज़्यादा ही बैटरी ड्रेन देखने को मिल रहा है पिछले अपडेट से। तो ये जो है ड्रॉबैक है इस अपडेट का। बट अगर मैं चार्जिंग स्पीड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कोई भी इशू नहीं है, मतलब लिटरली पिछले बार की रही है, मतलब आधे घंटे के अंदर और या फिर 35 मिनट के अंदर फुल चार्ज, तो भाई बहुत ही है यहाँ पर चार्जिंग स्पीड, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ बैटरी ड्रेन आपको जरूर से इस अपडेट के अंदर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा एंटूटू स्कोर के बारे में। तो यहाँ पर जो एंटूटू स्कोर है मैंने अपडेट बाद में टेस्ट कर लिया है, यहाँ पर आप देखेंगे जो स्कोर निकल रहा है वो है 486 के करीब, और यहाँ पर देखेंगे आप जो है GPU CPU का भी स्कोर देख सकते हो काफी अच्छा निकल कर आया। हाउएवर अगर पिछले अपडेट से कंपेयर करा जाए तो यहाँ पर देखेंगे हमको जो है यहाँ पर इंक्रीजमेंट ही देखने को मिलती है, कोई भी डिग्रेडेशन नहीं है, उल्टा पिछले अपडेट में जो है हमारा स्कोर कम था और इस अपडेट में जो हमारा स्कोर अच्छा
अच्छा खासा निकल कर आया है। तो अभी हम बात कर लेते हैं बग्स की, इस अपडेट के बाद में आपको जो है क्या बग्स देखने को मिलेगी रियलमी जी टी मास्टर एडिशन डिवाइस के अंदर। तो सबसे बड़ा बग आपको देखने को मिलेगा ऐप ड्रॉअर, जहाँ पर जो है पहले ही अपडेट आया और पहले अपडेट में ही ऐप ड्रॉअर का हमको बग देखने को मिला। देखेंगे जैसे ऊपर करूँगा कितना लैगी है ये, और इंस्टेंटली नहीं आता, मतलब थोड़ी देर के बाद में जो आ रही है। देखिए आप, मैंने ऊपर किया, ये देखो ये अटक अटक क्या रहा है, पहले कैमरा आ रहा है फिर फ्लिपकार्ट, अरे देखो कितना लैगी है ये, मतलब यूआई परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है ये, देखेंगे यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐप ड्रॉअर के अंदर देखेंगे अरे भाई साहब कितना लैगी। देखो ये आपको वीडियो में भी क्लियरली देखने को मिल रहा होगा, देखो ऊपर करूँगा इतना लेट आ रहा है, ऊपर से इतना लगेगा। तो यहाँ ये जो है पहले ही अपडेट में सिस्टम लॉन्च करके इसका जो है बग आ गया है। नेक्स्ट बग की अगर मैं बात करूँ तो वो अपने को देखने को मिलेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर। तो यहाँ पर जो हमको पहले बग देखने को मिलता था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती थी और फिर बाद में इसको फोन रिस्टार्ट करने के बाद में ही सेव होता था और स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव भी नहीं होती थी, वो तो इस अपडेट के अंदर फिक्स कर दिया गया है। बट यहाँ पर नया बग आ गया है, मतलब ऑडियो इतनी ज़्यादा क्लिच हो रही है कि पूछो मत। जैसे ही मैंने दो तीन दिन BGMI मोंटाज इसके लिए जो है मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी मैंने गेम प्ले को, तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ऑडियो क्लिच देखने को मिल रहा है, मतलब जो गन की साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा पहले ही आ जाती है जबकि वीडियो में वो चीज़ बाद में हो रही है। तो हाँ ये जो है अपने को बग देखने को मिलेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर, अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो BGMI की तो यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा इस अपडेट के बाद में। और फाइनल बग है वही जो मैंने आपको बताया बैटरी ड्रेन इशू, तो यहाँ पर जो है इस अपडेट के अंदर आ चुका है, देखते हैं नेक्स्ट अपडेट के अंदर फिक्स होगा या फिर नहीं होगा। एट फाइनल अगर मैं बात करूँ गेमिंग परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर हम जो है BGMI को कंसिडर करेंगे, और अगर मैं ग्राफिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर देखेंगे अपडेट के बाद में जो हमको ग्राफिक्स देखने को मिलती है वो है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेम और HDR प्लस अल्ट्रा सेम ग्राफिक्स हमको देखने को मिलेगी। जहाँ तक बात रही गेम प्ले की तो यहाँ पर मैंने जो आगे छोटा सा EDM का गेम प्ले करा है उसको जो है आप चेकआउट कर ले। तो गाइस जैसे कि आपने गेम प्ले देखा तो यहाँ पर जो है मेरे को कभी कभी तो इतना लैग देखने को नहीं मिलता, बट इन सम सिनेरियोस यहाँ पर जो है फ्रेम स्किप्स हो रहे हैं मेरे सब्जेक्ट के बाद में, बट तो इतना मेजर इशू नहीं है, लैग तो उतना नहीं हो रहा है पिछले अपडेट की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर एंड्रॉइड स्कोर भी इंक्रीज़ है और साथ में यहाँ पर जो हमारी परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ी सी इंक्रीजमेंट करी गई है, तभी हमको बैटरी ड्रेन इशू भी देखने को मिला है। तो हाँ मेरा कुछ इतना था गेमिंग रिव्यू कि हाँ भाई ओवरऑल एवरेज तक कहूँगा मैं, ज़्यादा नहीं अच्छा ज़्यादा नहीं बुरा। एट फाइनल अगर मैं बात करूँ कंक्लूजन की कि आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरी तरफ से तो यही रिकमेंडेशन है कि आप जो है इस अपडेट को इंस्टॉल कर लीजिए जल्दी से, आपको अगर मिल गया तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर 3.06 के बाद में हमको जो है अपडेट जल्दी से मिला ही नहीं और 3.07 भी मिला था, और मतलब पूरी वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी बना के रखी है तो ऊपर कार्ड दे दूंगा वो देख लेना अगर आपको जानना है कि 3.07 हमको अपडेट क्यों नहीं मिला। तो हाँ कुछ इस तरीके का है और जल्दी से आप जो है इस अपडेट को कर लीजिए। तो गाइस जैसे कि मैंने आपके साथ सारे बग्स और जितना पूरा रिव्यू था सब कुछ शेयर कर दिया, तो यहाँ पर जो है मैं कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगा कि भाई 2 महीने के बाद अपडेट मिला है और सिक्योरिटी पैच भी लेटेस्ट है, तो 2 महीने के बाद में सिक्योरिटी पैच भी मिला हमको इंटीग्रेटेड। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस अपडेट को आप जो है फटाफट से कर लो, यहाँ पर जो है कोई भी बैटरी ड्रेन के अलावा कोई भी ज़्यादा मेजर बग्स देखने को नहीं मिलते। तो मेरा सजेशन तो बस इतना रहेगा, बाकी आगे आपकी मर्जी। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना रखता है कि वीडियो में वीडियो को एक लाइक कर देना और इस तरह की फ्यूचर में पाने के लिए वीडियो आपको जो है चैनल सब्सक्राइब करके बने रहना होगा, और मिलते हैं तब तक के लिए, बाय। Broken.